नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत और बहुत ही आसान डिज़ाइन लाए हूँ, जिसे सिर्फ सीधा उल्टा बुनने आता है वो भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें फंदों का कोई टेंशन नहीं है। आप अपने स्वेटर के मुताबिक जितने आपको फंदे डालने हो आप डाल सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कितने भी फंदे डाल सकते हैं। डिज़ाइन बेहद आसान है और बहुत खूबसूरत। ये डिज़ाइन चार लाइन में बनेगा और तीन फंदों का ये डिज़ाइन है। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो और डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद हम अपने पहले कलर से यानी प्राइमरी कलर से दो फंदों को सीधा बुनेंगे। या तो पहले फंदे को सीधा बुन लीजिए या फिर स्लिप कर लीजिए। दो फंदा सीधा, अगले फंदे को हमें स्लिप करना है ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डाल के, ऐसे जैसे हम उल्टा बुनते हैं वैसे सिलाई डाल के, और अगले फंदे को स्लिप करना है। फिर अगले दो फंदा हमें सीधा बुनना है, नेक्स्ट फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करना है। तो तीन ही फंदों का ये डिज़ाइन है और इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो फंदा सीधा बुनना है और तीसरे फंदे को स्लिप करना है। दो फंदा सीधा बुनना है और तीसरे फंदे को स्लिप करना है। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इन्हीं तीन फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो बुने हुए फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और ये स्लिप किया हुआ फंदा है इसे हम स्लिप कर लेंगे। बुने हुए फंदे देखिए, दो फंदा उल्टा है, दो फंदा हमने सामने की तरफ से सीधा बुना था तो इसे पीछे की तरफ से उल्टा बुन लेंगे और ये स्लिप किया हुआ फंदा है इसे हम ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट दो फंदे हम उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को वापस स्लिप कर लेंगे। दो फंदा उल्टा और स्लिप किए हुए फंदे को हमें बुनना नहीं है, वापस स्लिप कर लेना है। नेक्स्ट दो फंदे उल्टा। तो इन्हीं तीन फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो हमने दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिया। तीसरे लाइन में हम अपने दूसरे कलर को अटैच कर लेंगे और तीसरी लाइन हम दूसरे कलर के ऊन से बुनेंगे। तो जो दो फंदा हमने सीधा बुना था उन दो फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। दो फंदा उल्टा बुन लिया, अब उन दूसरी ओर करेंगे और जो फंदा हमने स्लिप किया था उसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इन्हीं तीन फंदों को हमें दोहराना है उन अपनी ओर। देखिए, ये दो फंदा हमने सीधा बुना था तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी ओर, और ये फंदा हमने स्लिप किया था तो इसे हम सीधा बुन लेंगे उन अपनी ओर। दो फंदा उल्टा उन दूसरी ओर, एक फंदा सीधा उन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा उन दूसरी ओर, एक फंदा सीधा। जिस फंदे को हमने पहली लाइन में सीधा बुना था उसे हम तीसरी लाइन में उल्टा बुनेंगे, और जिस फंदे को हमने स्लिप कर दिया था उसे हम सीधा बुनेंगे। तो फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा उन दूसरी ओर, एक फंदा सीधा। तो इन्हीं तीन फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारे डिज़ाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड।
तो इस लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। पांचवी लाइन में हम फिर अपने पहले कलर से बुनेंगे और इन्हीं तीन फंदों को दोहराएंगे, लेकिन थोड़े से चेंज के साथ। अब देखिए, ये पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और दूसरे वाले फंदे को स्लिप करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फंदा जिसे हमने पहली लाइन में स्लिप किया था, अब की उसके पहले वाला फंदा हमें स्लिप करना है, यानी डिजाइन एक फंदा आगे चला जाएगा। ये हमने फंदा स्लिप किया था तो पांचवी लाइन में इस फंदे को हमें स्लिप करना है, यानी स्लिप किए हुए फंदे से एक फंदा पहले और स्लिप किया हुआ फंदा और उसके नेक्स्ट फंदा हमें सीधा बुनना है। तो दो फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब देखिए, ये फंदा हमने स्लिप किया था तो अब की उसके पहले वाला फंदा यानी इस फंदे को हमें स्लिप करना है और नेक्स्ट दो फंदे सीधा, दो फंदा सीधा, तीसरे फंदे को हमें स्लिप करना है, फिर दो फंदा सीधा और तीसरे फंदे को स्लिप करना है, दो फंदा सीधा और तीसरे फंदे को स्लिप करना है। तीन ही फंदे का ये डिजाइन है और इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो फंदा सीधा बुनना है, तीसरे फंदे को स्लिप करना है। बस ये देखना है कि अब की हमें स्लिप किए हुए फंदे से पहले वाला फंदा स्लिप करना है और रॉन्ग साइड से बुने हुए सभी फंदे हम उल्टा बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ सभी फंदा हम उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप कर लेना है। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने छठा लाइन कंप्लीट किया। अब ये डिजाइन का सातवां लाइन है और सामने से सातवें लाइन में हम अपने दूसरे कलर का इस्तेमाल करेंगे। सातवें लाइन को हम दूसरे कलर से बुनेंगे। तो देखिए, ये फंदा हमारा पहले कलर का है तो इसे हमें उल्टा बुनना है और ये देखिए इसी कलर का है, या यूं कहिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे उन अपनी ओर। अब दो फंदे जो दूसरे कलर के दिखाई दे रहे हैं, यानी जिसे हमने पिछले कलर लाइन में बुना था सीधा, उसे हम उल्टा बुन लेंगे। दो फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा उन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। बुना हुआ फंदा इसे हम उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को हम सीधा बुनेंगे। बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को सीधा। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब फिर हम दो लाइन हमने दूसरे कलर से बुन लिया तो नेक्स्ट दो लाइन हमारा पहले कलर से होगा और डिजाइन एक फंदा आगे आ जाएगा। अब चूंकि देखिए ये वाला फंदा हमने स्लिप किया था तो अब की हम उसके पहले वाला फंदा यानी ये फंदा हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट दो फंदे सीधा बुनेंगे। फिर देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है, ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो अब की उसके पहले वाला फंदा यानी इसे हम स्लिप करेंगे और अगले दो फंदे सीधा बुनेंगे। तो जब भी हम अपने पहले कलर से बुनेंगे तो डिजाइन एक फंदा आगे चला जाएगा। डिजाइन बेहद आसान और बेहद खूबसूरत है। आप इसे अपने स्वेटर में जरूर आजमाएं, बहुत ही प्यारा लगेगा।
रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तीन फंदों का और चार लाइन का डिजाइन है। एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे कलर के ऊन से बनाया जा रहा है। जब भी हम अपने फर्स्ट कलर से बनाएंगे तो डिजाइन एक फंदा आगे बढ़ जाएगा। डिजाइन बेहद आसान और बहुत ही खूबसूरत है। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।